वाह कोहली भाई साहब और डीपू भाई साहब, क्या बढ़िया मैच आज आपने जीता यार। 148 का लक्ष्य कैसे पहला 6 ओवरों में भैया 100 रन बना डाले लगभग यार, लेकिन क्या फायदा, भूतनी वालों टीम तो तुम्हारी गई काम से। हाँ बाबर भैया, भूतनी वालों ने खामखा हमको कूट के रख दिया, भूतनी वालों ने हमारी आस उम्मीद पे पानी फेर दिया। पे भूतनी वालों शर्म कर लेते, जीतना था जरा आराम से जीतते, जा हमको मैच देते, तुम्हारा क्या फायदा भूतनी वालों। अबे बस कर गिल भूतनी के, हम आगे नहीं जाएंगे तो किसी और को भी नहीं जाने देंगे। जिस ससुर के नाती का थोड़ा थोड़ा चांस होगा ना, उसको हम इतना मारेंगे भूतनी वाले का, उसका भी चांस करेंगे, मतलब अपने साथ वापस लेके जाएंगे। हाँ गुजरात वालों ससुर के नाती अभी तो तुम बच जाता, भूतनी वालों में 23 गेंदों पे 10 चौका पेलता, 3 छक्का लगाता, 64 पे आउट हो गया। नहीं तो भैया 8-9 ओवरों में लक्ष्य पूरा करना था, 10 विकेटों से पेलना था, बच जाता भूतनी का। अबे बस कर भूतनी का, डीपू का बच्चा हम भी तुम्हारे देश का होता, अबे भूतनी वाला तुम बच जाता। हम भैया बढ़िया खेला, 30 पे आउट हो गया, उसके बाद शाहरुख भी आउट हो गया, नहीं तो तुमको पेलना था, और अंतिम में भी हमारे बल्लेबाजों ने कुछ नहीं किया। हम मिल्लर भैया हम आउट हो गए यार, पहले तुम गए फिर हम गए, हमारा आधा शतक हो जाता या तुम्हारा, जा दोनों टिक जाते, 250 का लक्ष्य देना था। फिर राशिद खान थोड़ा बढ़िया खेला, ये भी लुढ़का, राहुल थोड़ा बढ़िया खेला लेकिन कोई टिक नहीं पाया। अबे बस करो भूतनी वालो, जीटी वालो तुम्हारी तो भैया मैंने जीटी पीटी सब कुछ बजा डाला। भूतनी वालो 2 विकेट ली 2 ओवर के बाद गेंदबाजी से हटा लिया डीपू भैया, लगातार 4 ओवर देते तो 50 से नीचे इनकी पूरी टीम को बुक करना था। सिराज बुरा तो ये हम जानबूझ के करता, हमने सोचा यार हमको भी थोड़ा रन बनाने का मौका मिले, फिर हम आधा शतक कैसे लगाते। अभी तो मैं शतक लगाना था लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसे 9 ओवरों में पूरा हो जाएगा, इनका बहुत बेइज्जती होगा, चलो 64 पे आउट हो जाता, बहुत बना लिए। अबे गिल भूतनी के ससुर के नाती ससुर के कुछ बढ़िया कर लेता यार, ये क्या कांड कर दिया, पहले तेरे बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद तेरे गेंदबाज भैया कुत्ते की तरह पिट गए यार, कुछ बढ़िया गेंदबाजी करवाते ना। बाबर भैया बढ़िया तो किया लेकिन बल्लेबाज थोड़ा चले नहीं, 1-2 चले भैया बस ये मिल्लर और शाहरुख, लेकिन भैया ये भूतनी वाले पता नहीं क्या खा के आए, लेकिन गेंदबाजों ने पहले डीपू को फिर विल जेक्स को 2 विकेट बढ़िया ली, अच्छा किया हमने भी। अबे बस कर गिल भूतनी के, हम फॉर्म में थे तुमको रोंद के रख डाला भूतनी वालों, अभी तो बच गए, ये डीपू आउट हो गया, फिर मैंने भी बढ़िया पहला भूतनी वालों, अगर चाहते ना तुमको 50 से नीचे लुड़का सकते थे, 3 ओवर में लक्ष्य पूरा कर। अबे बस करता कोहली ब्रदर, हमको पता होता तुम भैया तेज गति के 7 रन बनाने के चक्कर में, तुमको क्या लगता तुम रन रेट बढ़िया करता आगे क्वालिफाई करता। अबे भूतनी वालों हमने तो जानबूझ के दे दिया, आगे वाली टीम आपको कूट कूट के मारेगी। हाँ राशिद ब्रदर ये ससुर का नाती केवल पावर प्ले में रन बना गया, उसके बाद तो इनकी विकेट धड़ाधड़ गिरना शुरू होगी, 1 विकेट तो अंतिम ओवर पावर प्ले में गई, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने कुछ किया नहीं, हमारा बल्ला चला नहीं, लगता है हमारे बल्लेबाजों ने जानबूझ के दिया। अबे जीटी वालो भूतनी वालो ससुरी वालो, हम हैं आरसीबी वाले, भूतनी वालो जीटी वाले ठहरे तुम, वो भैया हमारे बल्लेबाज जानबूझ के आउट हुए ताकि तुम भूतनी वालों की कुछ इज्जत बच सके, नहीं तो 10 विकेटों से खेल सकते। छोड़ो कोहली भैया ये अब क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, तुमने बढ़िया पहला लेकिन भूतनी के क्या फायदा, तुम्हारी टीम तो आगे नहीं जा पाएगी, खामखा इनका भी सत्यानाश कर दिया यार। भाइयों ये केवल फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।